आज हम जा रहे हैं, काफी गाड़ियां चली गई, मैंने हाथ अभी तक किसी में दिया नहीं। यहाँ से नैनीताल कितना होगा? मैंने जेब में भी नहीं डाले थे क्योंकि एक जेब में मैंने मटर छील दिए, प्याज काट दिए और प्याज। वैसे मुझे पता नहीं है कि मेरा इंट्रो क्या होने वाला है, लेकिन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हो रहे हैं। अभी 12:30 हो रहे हैं और आज 5 तारीख है, तो ये वीडियो तो पता नहीं कब आ रही होगी। मैं तो भाई भगवान भरोसे बैठा हूँ जब ये वीडियो आ जाएगी। तो आज हम जा रहे हैं नैनीताल हिचहाइक करके, फिर नैनीताल से मुझे आगे कहीं जाना है। तो आज नाइट में स्टे नैनीताल पे होगा और आज मौसम बारिश वाला होगा, तो उसके वजह से मुझे थोड़ी सी डर लग रही है यहाँ पर, क्योंकि हल्की गुदाबादी भी हो रही है। और आज मैं एक ही बैग लेकर चल रहा हूँ, आगे वाला नहीं है, वो बैग गंदा हो गया था तो मम्मी ने कहा था कि मैं उसे धो दूँगी, तो रख जाना। थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, वहाँ पर बैठने का भी है, तो अगर बारिश आ गई तो मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा। तो बैग पर कवर डाल देते हैं। भाई मौसम देख रहे हो, पूरा फॉग हो रखा है आज, और अभी बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं ऊपर से, तो काफ़ी गाड़ियां चली गई, मैंने हाथ अभी तक तो किसी में दिया नहीं। अभी देंगे हम, कैमरा पकड़ के ऐसे हिचहाइक। कोई नहीं, ये दोनों लोग देखे भैया ना। सो भैया मिल गए फाइनली लिफ्ट फॉर कालाडा ढूंगी। आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं तक जाऊंगा भाई। अच्छा, कुछ यहाँ सामान छोड़ना है? मिलेगा। अच्छा मिलेगा। हाँ मौसम भी बारिश वाला हो रहा है। मैंने सोचा यार लाओ भाई यार, मेरे को कालाडूंगी से वहाँ जाना है ना, नैनीताल। अच्छा नैनीताल जाएंगे। आप रहने वाले कहाँ के हो? इच्छा के। अभी और है क्या सामान लाने की? हो गया और नहीं। मेरा लग कब से रहा है? मेरा परसों की जान होगा, 5 6 7 तारीख से। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद में जियो टावर का सामान को छोड़ने लग गए, अब वो काम कम हुआ। और नीचे साइड कहाँ आ गए हो? इधर आपके हिमाचल हो गया, इधर चंडीगढ़ साइड में। चंडीगढ़ हाँ, इधर राजस्थान कहीं की भी मिल जाए बुकिंग चले जाते हैं। जी जी, अभी आसाम छोड़ कर आए, मछली लेके गए थे। अच्छा यहाँ से? हाँ किच्छा से आसाम। हाँ 20 किलो की एक मछली थी। अरे बाप। तो कितने दिन लगे आसाम पहुँचने में? हाँ 4th दिन आ गए थे हम वापस। 4th दिन छोड़ के वापस। आसाम है कितना यहाँ से? आसाम किच्छा से पड़ता है करीबन 1300 किलोमीटर एक साइड से। 1300। तो गढ़वाल टीली साइड भी गए हो? हाँ साइड टीली वहाँ भी जाना है घूमने। बढ़िया जगह है, फिर जहाँ ये डैम का किनारा है। हाँ बहुत बढ़िया जगह लगती है। तो आपको मज़ा कहाँ आता है? नीचे प्लेन में कि पहाड़ों में? प्लेन में पहाड़ों में मज़ा आता है। अच्छा पहाड़ों पहाड़ में आता है, गंदगी भी नहीं है। हाँ सुख शांति इलाका हुआ। और गुंडे बवाली भी नहीं मिलते, एक थोड़ा कुछ सुकून मिलता है राजस्थान में। अच्छा राजस्थान में। हाँ तो कभी हुई है आपकी चोरी गाड़ी में? नहीं मेरी तो आज तक खैर चोरी नहीं हुई यार भाई। आपका नाम भैया? मेरा नाम मुझे छोटे कहते हैं, नाम सलीम हुआ मेरा। अच्छा सलीम। हाँ जी थैंक यू भैया लिफ्ट देने के लिए। इतनी ठंड में बारिश हो रही थी मेरे यहाँ। चलिए भैया जी थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए वीडियो देखना, आपको चैनल बता दूँ अपना? फ़ोन है? हाँ फ़ोन है। दिखाओ फ़ोन में, आपको बता देता हूँ मैं।
लगा दिया मैंने। ठीक है भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। तो अब हम पहुंच चुके हैं काला ढूंगी पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, हल्की हल्की ओ हो रही है बारिश। लेकिन अब हमें जाना है ऊपर को, और यहाँ पर हो रही है बारिश बहुत तेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर बारिश की बूंदें कम गिर रही है ड्यू टू दिस पेड़, वरना मेरी जैकेट तो हल्की हल्की बाहर से तो गीली हो गई है। मतलब उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हल्की हल्की जो बूंदें गिर रही है ना उसकी वजह से, और अगर थोड़ी तेज़ हो जाएगी तो गोपर में रख दूँगा। अभी मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई कुछ भी हो सकता है इसको। गाड़ी आ तो रही है बलेनो, मुझे लग नहीं रहा लिफ्ट मिलेगी इसमें। एक्चुअली बाहर वाले लोग कम देते हैं ना लिफ्ट, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है इस रोड पे। एक दो तो गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें से भी इनमें लिफ्ट ना मिल रही। देख रहे हो, देखो भाई जो बोलते हैं ना हिचहाइकिंग सिंपल है। अभी टाइम बताऊँ कितना हो रहा है, देखो टाइम हो रहा है 1:50। इतनी आसानी से नहीं मिलती भाई कितनी बार लिफ्ट, बट कोई नहीं, मिलेगी तो सबसे बेस्ट मिलेगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये क्या है, टैक्सी तो नहीं है, टैक्सी कहाँ तक जा रहे भैया? थोड़ा ऊपर तक जाऊँगा अपनी शॉप तक। छोड़ दोगे आप वहाँ तक? हाँ छोड़ो, वैसे ही छोड़ो। हाँ भैया लिफ्ट मांग करके जी ही चाहिए। बजट ट्रैवलिंग करता हूँ मैं। बढ़िया है। हाँ जी, आपकी कितनी दूर पे है शॉप? मेरी थोड़ा ऊपर है, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर। अच्छा, किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरी वही मैगी। अच्छा, चाय कॉफ़ी। अच्छा अच्छा, अच्छा यही आपकी दुकान। तो यहाँ तक हमें लिफ्ट मिल गई है, भैया की बाइक का तेल भी ख़त्म हो गया है और भैया की दुकान भी यहीं पर ही है। चलिए भैया थैंक यू। नहीं तो रुको, यहाँ से कुछ नंबर वंबर में बैठा देंगे। हाँ उसमें ठीक रहेगा। तो यहाँ पर रुका हूँ मैं भी थोड़ी देर के लिए, और अपना GoPro चार्ज हो रहा है, थोड़ी देर से चार्ज करते हैं फिर आगे को जाएंगे। टैक्सी में नहीं आना भैया? टैक्सी में नहीं, बस में नहीं, लिफ्ट मार के। लिफ्ट मार के, लिफ्ट मार के। तो अभी क्या हुआ ना, ये मैं चार्जिंग में लगाया था, अभी मैंने GoPro ऑन किया तो इसमें आ रहा था एरर। भाई साहब कह रहे थे कि फॉर्मेट करो SD कार्ड को, तभी आप यूज़ कर पाओगे। अभी पता नहीं कैसा यूज़ हो रहा है मेरे, तो भाई धड़कने रुक गई थी 2 मिनट के लिए। वहाँ तक ले जाते हो भाई? ये वहाँ से भाई देख लेगा। ले आओ भैया सामान, सामान लियो। चलो भैया फाइनली कोई रुका, ये जब मिलता है तो सभी को मिलता है, एक ही साथ में मिलेंगे। वो अभी वो भी ले आता है ये भी। चलिए भैया थैंक यू। चलो बैठ जाओगे? हाँ हाँ भैया बैठ जाऊँगा। बैठ जाओगे ऐसे? हाँ हाँ बैठ जाऊँगा। यहाँ से नैनीताल कितना होगा? 10-12 किलोमीटर। सो अभी नैनीताल 12-13 किलोमीटर। ओह शिट, सो यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, अभी इसके ऊपर पानी गिर गया था, तो 12-13 किलोमीटर और दूर रह गया नैनीताल।
करते हैं इंतजार यहाँ पे। तो नैनीताल तो हम पहुंच गए हैं और बाइक मारते वक्त इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना, मेरे से वीडियो बिल्कुल नहीं बनी हाथों से। तो अभी मैं अपने दोस्त के रूम पर रहूँगा, वो नहीं है यहाँ, वो वहीं कोटाबाग पे है। तो उसने चाबी बताई है मुझे, चाबी कहाँ रखी हुई है। तो अभी उसके रूम पर जाऊँगा यार, पहले मैं मैगी लेता हूँ, मैगी खाऊँगा, फिर उसके बाद बाहर आऊँगा, फिर देखेंगे यार क्या करना। बाहर ठंड से मैंने जेब में भी नहीं डाले थे, क्योंकि एक जेब में फ़ोन था, दूसरी जेब में GoPro था। भैया मैगी होगी, मैगी 3 पैकेट दे दीजिए। सो वहाँ पर जाके हम बनाएंगे मैगी। वो तो नहीं है, आपने देखा होगा मेरे, एक बार हमने उसके यहाँ पनीर और भात खाया था, अगर व्लॉग नहीं देखा है तो मैंने इसी चैनल पर डाला था। सो मैगी बना ली है मैंने, तो बैठ के मैगी खाते हैं। शाम को प्लान है कि मैं आज पुलाव बनाऊंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब से देख के पुलाव बनाना सीखा है। तो बनाएंगे हम अभी, और अभी अराउंड 4 बज गए होंगे, तो फटाफट गरम मैगी खाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर सामान क्या क्या है बनाने का, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे सामान लेके आएंगे मार्केट से, पुलाव बनाएंगे फर्स्ट क्लास मटर वाला। सो अभी बज गए ना शाम के 5, लेकिन बारिश को देखो अभी रुकी भी नहीं है। लेकिन क्या करें, बाहर तो जाना पड़ेगा क्योंकि खाने का सामान लाना है। अब यहाँ से ऊपर जाते हैं और थुप्पा खाते हैं, देन रूम पे जाते हैं। तो अब रूम पे हम पहुँच गए, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो बाहर नहीं बनाई है। तो ये सामान ले आया हूँ मैं, मटर है और ये इसको क्या बोलते हैं, मूली है और मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। 40 रुपये में आ गया और चावल इसके पास पहले से ही है, तो उसके बाद चावल पहले से ही, और इस YouTube से हमने सीखा था यार, वहाँ मैंने देहरादून में बनाया था पुलाव, तो मैंने सोचा चलो यहाँ भी बनाते हैं, ट्राई करते हैं, कोई नई स्किल है, YouTube से सीखी थी यार, मज़ा आ रहा था बनाने में, तो आज फिर से हमने सोचा। तो यार मैंने मटर छील दिए, प्याज काट दिए, और प्याज जज मत करना भाई, ये प्याज मेरे से कटी नहीं और मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। टमाटर और अपनी मिर्च, ये मैगी मसाला जिससे स्वाद आएगा। अभी धनिया और मूली काटूंगा और एक टमाटर बच गया तो उसे सलाद में खा लूँगा। तो अब हम जाएंगे अंदर किचन पे और अपना खाना बनाना और अपना खाना बनाना रेडी करेंगे। देखो मेरे आँखों से अभी भी आंसू आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, खोल के अपना रिव्यू दूँ मैं जो मैंने बनाया पुलाव। उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने मटर थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया और थोड़ा सा ज़्यादा ही बना दिया, क्योंकि मैं खा के आया था, मैंने ये नहीं देखा कि यार मैं खा के भी आया हूँ, जो जोश में मैंने सब चीज़ें ज़्यादा डाल दी उसमें, थोड़ा सा बच गया। अब देखते हैं सुबह खाऊंगा तो खा लेंगे, वरना मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही रिव्यू था, तो धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो मैंने कहा ऐसे बता देता हूँ, तीसरी बार बनाया था पुलाव, यहीं पर सोएंगे आज रात मज़े से, स्लीपिंग बैग है और 2-3 रजाइयाँ हैं।